महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्म अहिंसा परमो धर्म का ट्रेजर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस फिल्म पर फिल्म के कलाकारों के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी मौजूद रहे। इस फिल्म के संबंध में बताया गया है कि जिस तरह हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सली समस्याएं हैं, जिसे देखते हुए ये फिल्म शांति की राह अपनाने के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्म अहिंसा परमो धर्म का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस मौके पर फिल्म के कलाकारों के साथ साथ निर्माता निर्देशक मौजूद रहे। इस फिल्म के संबंध में उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सली समस्याएँ घिरी हुई है। इस समस्या को देखते हुए ये फिल्म शांति की राह अपनाने के लिए प्रेरणा देती है और नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी प्रेरणा देती है। ये फिल्म नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की भी प्रेरणा देगी और साथ ही शांति की स्थापना करेगी। जिस तरह महात्मा गांधी ने हिंसा को छोड़कर सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाया, इसी तरह ये फिल्म भी हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपनाने की प्रेरणा नक्सलियों को देगी। फिल्म को लेकर निर्माता निर्देशक से एसीएन न्यूज ने खास बातचीत की है। जानते हैं क्या है फिल्म बनाने का उद्देश्य। अक्सर हमने फिल्मों में नक्सली से संबंधित और उसकी आत्मसमर्पण कहानी को लेकर कई फिल्में देखी है और उसमें दर्शाया गया कि किस तरह से जो एक गांव का सीधा साधा युवक अपने ही गाँव में जो एक हीरो की तरह रहता है और कहीं ना कहीं ऐसी संगति और ऐसे दोस्ताना की वजह से नक्सलियों जैसी असामाजिक तत्वों के लोगों से जुड़कर कुछ कृत्य करने लगता है, तो अपने दुर्ग की जो दुर्ग पुलिस यातायात विभाग की तरफ से जो एक संदेश देने लायक जो बातें सामने निकल कर आई है, दुर्ग यातायात विभाग के जो DSP वृंदराज के निर्देशन में उनके कार्य क्षेत्र में एक फिल्म दिखाया गया है जो गांधी जयंती के अवसर पर ट्रेलर का रिलीज किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस फिल्म के माध्यम से एक सच्ची कहानी जो जीवंत रूप दिखाया गया है, किस तरह से उसकी परिस्थिति को दिखाया गया है, किस तरह की इसकी पृष्ठभूमि थी और किस तरह की इसकी कहानी थी। जी आइए हम बात करेंगे वीरेंद्रराज जी से। जी सर, अभी 2 अक्टूबर को एक ट्रेलर रिलीज हुआ है अहिंसा परमो धर्म का, किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश छुपा है इसके पीछे? सभी दर्शकों को, नागरिकों को, देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 2 अक्टूबर को पूज्य महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हमारे द्वारा, हमारे प्रोडक्शन के द्वारा, RJ एंटरटेनमेंट DRK प्रोडक्शन, उसके द्वारा एक टीज़र रिलीज़ किया गया है। फिल्म का नाम है अहिंसा परमो धर्म, सब टाइटल है उसका आत्मसमर्पण, जो कि मेरे सुपर हीरो महात्मा गांधी जी के मूल्यों को, उनकी शांति की जो एक कामना थी उसको लेकर के, उनके विचारों को पोषित करने के लिए बनाया गया है। मैं ये महसूस किया कि हथियार से हम एक दो लोगों को या कुछ लोगों को मार सकते हैं, लेकिन हमारे सुपर हीरो गांधी जी का कहना है और उन्होंने ये करके दिखाया भी कि यदि हम विचार लेकर के आएँ और उन विचारों से किसी समस्या का हल करने की कोशिश करें तो वो बहुत तेज़ी से और बहुत दृढ़ता से और पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। मेरी पूरी कोशिश है इस मूवी में कि नक्सलवाद की जो समस्या है उसको लोग देखें, समझें और हम लोग जो एक रास्ता बना रहे हैं आत्मसमर्पण का, उसमें हमारा साथ दें, यही मेरा आप सबसे अनुरोध भी है। जिस तरह से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें कितनी अच्छी कहानी दिखाई गई है, कितना अच्छा रूप दिखाया गया है, क्या लगता है इसको देखने से दर्शकों के मन में क्या भावना होनी चाहिए? दर्शकों को नक्सलवाद को समझने में मदद मिलेगी। अभी तक हम ये जानते हैं कि नक्सलवाद क्या है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है। जल जंगल ज़मीन वर्षों से वहाँ रही है और वर्षों तक, सदियों तक वहीं रहेगी, जब तक यह धरती पृथ्वी रहेगी। ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है ऐसा कह करके मुझे लगता है कि शायद हम भ्रमित हैं। ये विचारों की लड़ाई है, शायद समस्याओं की लड़ाई है या वहाँ के एजुकेशन की लड़ाई है, ये इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तो जैसे ये अभी एक ट्रेलर रिलीज़ किया है तो आगामी फिल्म दर्शकों को कब तक देखने मिल पाएगी?
इसका भी प्रस्तावित वो है जनवरी का है, जनवरी 2025 प्रस्तावित दिनांक है इसका, जिसमें हम इसको रिलीज करेंगे। जिस तरह से इनकी पृष्ठभूमि देखिए तो इसमें जो किरदार निभाने वाले जो हीरो हैं वो एक सीधे साधे गांव के जो युवक रहते हैं उसकी कहानी पे जो जुड़े हैं उस पे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस फिल्म को प्रसिद्धित किया गया है और इसमें आगे किस तरह की सच्चाई है। जी, आप इस फिल्म में अपना रोल किरदार किए हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या आपका रोल होना चाहिए और एक जो नक्सली रहता है उसको कितनी तकलीफें आती है समर्पण करने की? नमस्कार, जय छत्तीसगढ़ के जनता, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ है। ये एक ऐसे युवक की कहानी है जो एक गांव में रहते, मौज मस्ती में रहते बढ़िया, फिर वो नक्सली मन के भड़कावा में आके वो नक्सली बन जाते कि हम अल्लाह बन परिवार जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ना है। लेकिन जब वो लड़ाई लड़ता तो आत्मज्ञान होते कि मैं रक्षक नहीं एक भक्षक बन गया हूँ, तो फिर वो सोचते कि अब मैं सुधरूं, काबर की खून खराबा ही सबके सोल्यूशन नहीं हुए, तो वो बोलते कि मैं अब आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। तो जब वो हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा का रास्ता में आते हैं तो फिर वो बहुत सारे तकलीफ़ों के सामना करना पड़ते हैं। कैसे वो अपन बीबी बच्चा लेके पूरा जंगल के रास्ते से वो मतलब जो आत्मसमर्पण के जगह रही थे वहाँ पहुँचना रही थे वाला, तो बहुत सारे तकलीफ़ों से वो गुजरना रही थे। और बहुत ही सुंदर स्टोरी कॉन्सेप्ट SS बिंद्राज सर जो लेके आए हैं वो बहुत ही कमाल के है। और ये आज की डेट में बहुत बड़े समस्या भी है हमारे छत्तीसगढ़ के, नक्सलवाद तो मुख्य धारा से जो जुड़ना चाहिए और कैसे मतलब जुड़ना चाहिए ये पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखने मिली। किस तरह से आप दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि जो आगामी पूरी पिक्चर जब रिलीज होगी तो क्या चाहेंगे दर्शक और क्या उनको मिल पाएगा जो चीज़ चाहते हैं? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के जनता ऐसी बुरी आ गया है प्यार मोहब्बत की स्टोरी देख देख के, और मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि एक अलग अलग स्टोरी पे काम करूँ। SS बिंद्राज सर बहुत अच्छा स्टोरी लिखे है, एकदम यूनिक हट की स्टोरी है ये, तो दर्शक मतलब बहुत एमा इंटरटेनमेंट भी मिली और ओकर बाद एक सीख भी मिली। जिस तरह से इनका जो कहना था कि बहुत ही अच्छी फिल्म ये बनने जा रही है और तो हमें इंतज़ार रहेगा कि जितने जल्दी हो सके इस फिल्म को बनकर आए और दर्शक इसका देखकर आनंद उड़ा सके। दुर्ग से मैं नसीम फारूकी।